हाय फ्रेंड्स, मैं अमिता। मेरा आज का वीडियो सिनेमन स्टिक पे है, जो कि हर किचन में पाया जाता है। कुछ खूबसूरत से होते हैं इस तरह से, और कुछ ऐसे होता है बदसूरत सा। बट जो बदसूरत सा होता है वही आप लेके आइए। इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, ये फ़ायदा ज़्यादा करता है। इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो वन बाई वन करके मैं बताती चल रही हूँ। इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे इन्फेक्शन से बचाता है हमें। ये ब्रेन टॉनिक का काम करता है, हमारे ब्रेन को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी, मेमोरी, कंसंट्रेशन ये सब इंक्रीज होता है। ब्रेन में होने वाली प्रॉब्लम्स, डिजनरेटिव डिजीज़ कम हो जाती हैं। हार्ट को मजबूत बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन बना के रखता है। मसल पेन हो या सूजन हो, ये बहुत ही रामबाण दवा है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करके रखता है, स्ट्रेंथन करता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसको हम लें कैसे, इसकी हम चाय बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पैन में अपने अकॉर्डिंग पानी ले लेते हैं। मैंने 2 कप लिया है। इसमें हमने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। इसको 4-5 मिनट बॉयल होने देंगे धीमी आँच पर। तो ढक के रख देते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी इवेपोरेट हो जाती हैं। देखिए ये बॉयल हो चुका है। अब इसको हम छान लेंगे, और छानने के बाद आपका मन हो तो इसमें शहद मिलाइए। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसमें नींबू मिला के आप इसका सेवन करिए और इसका फ़ायदा लीजिए। मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।